पार्षद बने थे और 27 बरस में मेयर बने थे, उसके बाद अब 44 बरस की उम्र में राज्य के मुख्यमंत्री। देवेंद्र फडणवीस की पढ़ाई लिखाई शुरुआत सरस्वती स्कूल नागपुर, उसके बाद धर्मपेट जूनियर कॉलेज, उसके बाद लॉ कॉलेज, ये इनका पूरा सफ़र। लेकिन राजनीतिक तौर पर सक्रिय शुरू से, और पिता गंगाधर फडणवीस, चाची शोभाताई फडणवीस इस वक्त भी गढ़चिरौली से विधायक हैं और वहीं से वो जीतती रही है, नक्सल प्रभावित इलाका है वहाँ से वो जीतती रही हैं। इनके चाचा भारतीय मजदूर संघ में हैं, जो कि बैंकिंग सर्विस में थे, वहाँ से निकले तो ये बीएमएस में चले गए, और एक पूरा ऐसा परिवार रहा है जो आरएसएस संघ जनसंघ इन तमाम चीज़ों से गुजरते रहे। और ये भी हम बता दें कि जब इनके पिता गंगाधर फडणवीस की मौत हुई तो उसके बाद एमएलसी के तौर पर नितिन गडकरी वहाँ से एमएलसी चुने जाने लगे, इसलिए ये बात थी कि नितिन गडकरी कहते थे मेरे गुरु गंगाधर फडणवीस, और खुद देवेंद्र फडणवीस कहते हैं मेरे गुरु नितिन गडकरी। ये एक पूरा सर्किल है नागपुर के में जो लोग जानते समझते रहते रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं, और ये उनकी पत्नी अमृता रानाडे थी, अमृता फडणवीस अब हुई परिवार से आती है, कृष्ण ब्राह्मण और विशस्त ब्राह्मण दूसरी तरफ, ये जिसका जिक्र कुछ देर पहले राजदीप कर रहे थे। क्योंकि नाना फडणवीस से कोई परिवार के संबंध है या नहीं है, इस बात का जिक्र लगातार होता है, तो ये बता दे वो ऐसा नहीं है। एकनाथ खड़से, मैं एकनाथराव गणपतराव खड़से ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताचे सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझे कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन, आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे, तसे कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी एकनाथराव गणपतराव खडसे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असे मंत्री म्हणून माझे कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। एकनाथ खड़से मुक्तेनगर, यहाँ से विधायक चुने गए। इनके गांव का नाम वो थाली गांव, आपको तो वेंकटेश जी याद होगा, ये पूर्णा नदी के किनारे है ये गांव। और ये परिवार है इनका किसान का परिवार और किसान की मौजूदगी आप जिक्र भी कर रहे थे, क्यों नहीं है मंच पर? नहीं, मैं ऑडियंस की बात, ऑडियंस में भी किसानों की मौजूदगी नहीं है, नहीं जो धर्म लंबी लोग जो बैठे हैं, किसान तो एक प्रतीकात्मक तौर पर रहना चाहिए, प्रतीकात्मक तौर पर होना चाहिए। और आपने जो अभी नाना फडणवीस की बात की थी, वो फडणवीस है और ये फडणवीस है। हाँ अच्छा, वो जो थे वो फडणवीस थे, वो चित्पावन गोकर्णस ब्राह्मण थे। हाँ, और ये जो है देशस्थ ब्राह्मण है। उद्धव ठाकरे की पत्नी भी उसी परिवार से आती है, वो भी कोकणस ब्राह्मण। अच्छा, श्री सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार, और यह भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मैं गडकरी नहीं, सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन, आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे, तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मग अज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना
प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। घंटीवार की राजनीति को साधा था किसी ने तो नितिन गडकरी थे, और पिछले दिनों जब खुद ये जब उद्धव ठाकरे स्कूल के नजर वहां पर आ रहे हैं तब तक हंगामा स्टेडियम के भीतर, तो कहीं ना कहीं शिवसेना की मौजूदगी का एहसास स्टेडियम के भीतर अब जाहिर तौर पर बीजेपी को भी अच्छा लग रहा होगा कि कम से कम हर्षोल्लास के साथ परिस्थितियां एक साथ दोनों की लौटी है। सुधीर मुनगंटीवार ही पहले शख्स थे जिन्होंने एक नई हवा दी थी कि नितिन गडकरी सीएम बनने चाहिए, और उसके बाद एक पूरा सिलसिला चल पड़ा था कई विधायकों की मुलाकात। लाल कृष्ण अडवाणी भी पहुंचे, ये लाल कृष्ण अडवाणी इससे पहले मनोहर लाल खट्टर के उसमें भी पहुंचे थे जब वो हरियाणा के सीएम पद की शपथ ले रहे थे, यहाँ पर भी पहुंचे हैं। ये मौजूदगी कहीं ना कहीं इतिहास किस तरीके से नए करवट लेते हुए अब उम्र की दहलीज में जो संघ लगातार कहता रहा है कि जब आप हो जाते हैं तो आपको गुरु की भूमिका में आ जाना चाहिए और धीरे धीरे आपको रास्ता छोड़ते चले जाना चाहिए, इसका जिक्र बहुत बार किया गया संघ की तरफ से। सुधीर मुनगंटीवार चंद्र, ये दोनों विदर्भ के हुए, तो दो लोग विदर्भ के अभी तक हो गए, माननीय फडणवीस और सुधीर मुनगंटीवार, और उत्तर महाराष्ट्र के हो गए एकनाथ श्रीधर तावड़े। कुछ बोले भैया को मिल गया ही नहीं, हम बताई मेरा भैया को ये आशीर्वाद। मी विनोद श्रीधर विजया तावड़े ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी विनोद श्रीधर विजया तावड़े ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब अशी मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। विनोद तावड़े, जब अपना पूरा नाम लिया तो हमारे साथ बैठे वेंकटेश केसरी बता रहे हैं कि माता और पिता दोनों का नाम बीच में लिया शायद लग रहा है ऐसा, श्रीधर विजया तावड़े जो उन्होंने बीच में जोड़ा। पुण्य प्रश्न, अभी तक सभी ने ईश्वर की शपथ खाई है, कई कई बार होता है संविधान की शपथ नहीं खाई है, ईश्वर की शपथ खाई है, जबकि केंद्रीय मंत्रालय में भी जब हुआ था तो कुछ कई उन्होंने संविधान की शपथ खाई थी या कम से कम ईश्वर की नहीं खाई थी। ये हमेशा संविधान की शपथ ली, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये भी बता दें, दरअसल विनोद तावड़े एक प्रबोधनी भी चलाते हैं, राम भाव प्रबोधनी, जो कि मुंबई में चलता है, उसके चेयरमैन है, और ये वहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं कि आप नेता कैसे बने, हालांकि सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में बताया जाता है लेकिन नेता बनने की भी एक ट्रेनिंग है इनके, जो अपनी प्रबोधनी यहाँ पर चलाते हैं। ये मुंबई किसे हो गए, तो अभी तक अलग अलग माननीय मंत्री श्री प्रकाश मनसुभाई मेहता, मी प्रकाश मंचुभाई मेहता ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमत्ता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझे कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायद्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणताही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी प्रकाश मंचुभाई मेहता
ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। मुंबई के ज्यादा लोगों को बनाने का मतलब, इसके पहले जो मनोहर जोशी की गवर्नमेंट थी उसके अंदर भी मुंबई से ज़्यादा थे और इस समय भी मुंबई में बीजेपी को ज़्यादा मिला है, शिवसेना से ज़्यादा वहाँ उनके एमएलए जीत के आए हैं, ये मैसेज भी। और मुंबई में गैर मराठी भी ज़्यादा बढ़ा है, ऐसा ऑब्जर्वेशन है उनका। देखते हैं कि राजपुरोहित बनता है क्या, राजपुरोहित वहाँ के जो है राजस्थानियों के नेता हैं। भारतीयों ने बहुत वोट दिया शिवसेना, राजपुरोहित जी का नाम नहीं है, नहीं होगा राजपुरोहित जी का नाम नहीं है जो लिस्ट जो निकल कर आई है। इस बीच में कुछ बदलाव होने प्रसून जी, ये इसका उसका फेस ही मिडिल क्लास है, अर्बन है, तो नेचुरली अर्बन बॉम्बे से आना ही है। शिवसेना के लिए तो ये खतरे की घंटी होगी जब आप बीजेपी को ज्यादा नेताओं को तरजीह देते हैं। चंद्रकांत दादा, बच्चू पाटिल, मी चंद्रकांत बच्चू पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन व मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझे कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायद्यानुसार सर्वत्रच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी चंद्रकांत बच्चू पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। एमएलसी को मंत्री के तौर पर बनाने का क्या मतलब है जब आपके पास विधायक भरपूर हैं? नहीं कहा अकोमोडेशन रीजन वाइज कास्ट वाइज रिप्रेजेंटेशन अगर एमएलए में नहीं होता है तो एमएलसी के करते हैं कंपल्शन। आपको बताऊं बड़ा मजेदार बात है, एक ये जो रामदास आडोले है इसका एक भी उम्मीदवार नहीं जीता है और वो कह रहे हैं कि दो मंत्री पद चाहिए। नहीं लेकिन ये बताइए एमएलसी के मिनिस्टर बनाने का क्या मतलब है? सिर्फ क्षेत्र को, एक क्षेत्र का अगर उस क्षेत्र से एमएलए नहीं हुआ है या उस कास्ट से नहीं हुआ है या फिर हाई कमांड, ये तीन कैटेगरी में एमएलसी से जैसा राज्यसभा में बनाते हैं उस कैटेगरी से वहाँ बनाते हैं। नहीं और वैसे नहीं हुआ है हमें ये मतलब उस कोल्हापुर के इलाके से ये एमएलसी चुने जाते हैं। सवाल ये है कि उस इलाके से अभी तक लोग आ रहे हैं जहाँ पर शिवसेना या एमएनएस का प्रभाव है, ये जरा ध्यान दे। ये पश्चिम महाराष्ट्र की बात है, कोल्हापुर पश्चिम महाराष्ट्र ऐसा हो गया। श्रीमती पंकजा गोपीनाथ मुंडे, मी पंकजा गोपीनाथ मुंडे ईश्वर साक्ष शपथ घेते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे आणि निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी पंकजा गोपीनाथ मुंडे ईश्वर साक्ष शपथ घेते की महाराष्ट्र राज्याची मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब अशी मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल
ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। पंकजा गोपीनाथ मुंडे सबसे ज्यादा तालियों के साथ इनका स्वागत हुआ और जब जब नाम लिया पंकजा गोपीनाथ मुंडे तालियां बजी। पंकजा गोपीनाथ मुंडे परली से आती हैं, ओबीसी हैं और मराठवाड़ा के रीजन से ही आती हैं, तो इसका मतलब है एक और एक बैलेंस के तहत भी। और दूसरी बड़ी बात है कि अभी तक जो जो सीएम की दौड़ में थे वो सभी मंत्री बने। सुधीर मुनगंटीवार का जिक्र हो, पंकजा मुंडे, खड़से साहब ने कहा था हम भी बनना चाहते हैं, तो इन सबको मैनेज कर लिया गया है। अब सवाल अलग अलग क्षेत्रों का है तो उसमें किस किस का नाम, विनोद तावड़े का भी एक बार नाम चल पड़ा था, वह भी अब मंत्री बन चुके हैं। तो एक ऐसी टीम निकल कर आ रही है जो टीम चुनाव के वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थी और जीत के बाद भी सबसे प्रभावशाली तरीके से हर मीटिंग बैठक में अपनी मौजूदगी और अपने तमाम इंटरव्यू में जतलाती थी कि उसका कद क्या है। श्री विष्णु रामा सावरा, मैं विष्णु रामा सवरा ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रोहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी विष्णू रामा सवरा ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। विष्णु सावरा दूसरे शख्स हैं जो कि 1995 में जब सरकार बनी थी बीजेपी और शिवसेना की, उस वक्त भी ये मंत्री थे। इससे पहले जिन्होंने शपथ ली है उसमें एकनाथ खड़से, जिनको 5 बरस या कहें 4.5 बरस के भीतर 3 मंत्रालय दिए गए थे। एकनाथ खड़से को फाइनेंस मिनिस्टर भी उन्होंने संभाली थी, सिंचाई भी संभाला था, टेक्निकल भी संभाला था। तो ये दूसरे मंत्री हैं जो शपथ ले रहे हैं जो 1995 से 1999 के दौरान में जब शिवसेना बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, मनोहर जोशी उसके मुख्यमंत्री थे और उस दौर में बड़े भाई की भूमिका में शिवसेना रहा करती थी। लेकिन अब छोटे भाई की भूमिका में भी शिवसेना है या नहीं है, ये आकलन महाराष्ट्र की राजनीति में खूब हो रहा है और बीजेपी भी नए सलीके से रख रही है। अनिल अंबानी ये भी बैठे, इसका मतलब है गैलेक्सी ऑफ आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से वानखेड़े स्टेडियम में जो मौजूदगी है हर तबके की, बॉलीवुड की मौजूदगी नजर आ रही है। राज्य मंत्री हाँ मतलब छुपी हुई है नजर, दिलीप ज्ञानदेव कांबळे मी दिलीप ज्ञानदेव कांबळे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमत्वा व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रुहपणे तसेच कोणाच्याही विशेष ममत्व किंवा आकास न बाळगता
न्याय वागणूक देईन। मी दिलीप ज्ञानदेव कांबळे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला न्यात होईल अशी कोणतीही बाब असा राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। दिलीप कांबळे जो की पुणे कैंट से विधायक हुए हैं वो भी मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। अब तक 9 लोग हो चुके हैं जिसमें देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, पंकजा मुंडे, विनोद तावड़े, विनोद सावरा, एकनाथ खड़से, दिलीप कांबळे जिन्होंने शपथ ली, इससे पहले चंद्रकांत पाटिल, प्रकाश मेहता, एक नाम और है जो हैं सावरा हो गए हैं। अच्छा सावरा हो गए, उनका नाम ने लिया कि जो ठाणे से आदिवासी उससे आते हैं, आदिवासी नुमाइंदगी यहाँ पर होगी। एक नाम लेकिन इस पूरे दौर में एक पंकजा मुंडे, एक महिला और होनी चाहिए, हम उनका इंतजार कर रहे हैं, एक और नुमाइंदगी होगी जो महिला की। मैंने ध्यान देखा नहीं पर मुझे लगता विद्या ठाकुर होगी, लेकिन इंतजार किया जाए। माननीय राज्य मंत्री श्रीमती विद्या जयप्रकाश ठाकुर। प्यार रह चुकी है गोरेगांव। मी सौ विद्या जयप्रकाश ठाकुर ईश्वर साक्ष शपथ घेते की कायदा द्वारे स्थापित झाले आहे असा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता और एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेचे लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पृहपणे तसेच कोणाचाही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी सौ विद्या जयप्रकाश ठाकूर ईश्वर साक्ष शपथ घेते की महाराष्ट्र राज्याची राज्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणि आपली आय जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब अशी राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्याची आवश्यक असेल ते खरेदी करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे या अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तो ये 10वां नाम था जो विद्या ठाकुर का नाम था, यानी दो राज्य मंत्री दिलीप कांबळे और विद्या ठाकुर, और इसके अलावे सभी कैबिनेट स्तर के मंत्री, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर। 33,000 लोगों की मौजूदगी इस स्टेडियम में, और ये भी हम बता दें कि सबसे ज़्यादा नागपुर से जो लोग आए थे उसमें नागपुर और मुंबई हवाई जहाज का किराया बढ़ते बढ़ते 37,000 तक पहुँच गया। रेलगाड़ियों में टिकट नहीं, वहाँ पर भीड़ भड़का इतना, अतिरिक्त बोगी नहीं लगाई गई, कोई रास्ता नहीं, और दो दिन से ये हालत थी कि जहाज में तो दूर की जगह कहीं आम लोगों के लिए ट्रैवल करना मुंबई तक भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि हर रास्ता मुंबई जा रहा था। तो ये ऐतिहासिक क्षण, और 80 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब यहाँ पर भाषण दिया था इस बात का जिक्र किया था कि समुद्र में भी कमल खिलेगा, तो वो सपना पूरा हुआ, अंधेरा छटा, उजियारा आया। हालांकि ये गोधूली वेला एक लिहाज से महाराष्ट्र में, इस समय मुंबई में गोधूली वेला का वक्त शुरू हुआ जिस समय ये पूरा का पूरा शपथ ग्रहण समारोह। अब सवाल यहाँ से होता है कि कितनी बड़ी चुनौती। माननीय राज्यपाल महोदय, बहुत बड़ी चुनौती रहेगी उनके लिए। शपथ विधि एक तो पूर्ण झाला आहे, एक तो ये मिडिल क्लास फेस है, दूसरा है कि जो अपोजिशन में है एनसीपी।
उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी नजर अभी आ रही थी जिस समय कैमरा गया, लालकृष्ण आडवाणी के ठीक पीछे पीली साड़ी में वो मौजूद आ रही थी। बहरहाल लेकिन संपन्न हुआ ये मुलाकात देवेंद्र फडणवीस की प्रधानमंत्री मोदी से, और प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर में भाषण के दौरान बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस तमाम घोटालों का जिक्र विधानसभा के भीतर और बाहर करते रहे, और इसको लेकर उनकी पत्नी देवेंद्र फडणवीस की, जिन्होंने चरण छुए प्रधानमंत्री मोदी के, विद्या ठाकुर, उनकी मुलाकात। और उस समय एक सवाल खड़ा हुआ था कि क्या वाकई अगर देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने घोटालों, सिंचाई घोटाले के भी तमाम दस्तावेज देवेंद्र फडणवीस ही लेकर आए थे, और आज शपथ ग्रहण समारोह में अजीत पवार भी मौजूद हैं, और अभी तक सरकार की स्थिति यह है कि समर्थन अगर किसी का नहीं है तो ये अल्पमत की सरकार है, और समर्थन अगर खुले तौर पर किसी का बाहर से है तो वही पार्टी और वही नेता सब हैं जिनके खिलाफ बीजेपी ने मुनादी की थी चुनाव के वक्त में, और वो आज समर्थन देने के लिए साथ खड़ी है। तो ये एक सियासत की ऐसी बिसात है जिस पर अभी तक बीजेपी चुप्पी थामे हुए, क्योंकि शिवसेना की तरफ से अभी तक समर्थन देने का जिक्र नहीं हुआ है, और जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें बातचीत आज ही होगी समर्थन और किस रूप में जो भी मंत्रिमंडल में किस किस को दिया जाए। बीजेपी की तरफ से बहुत साफ कहना है डिप्टी सीएम नहीं दिया जाएगा, फाइनेंस नहीं दिया जाएगा, और होम नहीं दिया जाएगा, यानी गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और डिप्टी सीएम आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो है बाकी मंत्रालयों को लेकर जो भी बातचीत हो सकती है ये हो सकती है। अब हम जरा इस सिलसिले को भी जरा शुरू करते चलें, क्योंकि इन सब मुलाकातों के बीच तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनकी मौजूदगी, तमाम राजनीतिक दलों की मौजूदगी जो चुनाव हारे हैं और जो साथ खड़े हैं उनकी, और खटास आ गई उनकी भी मौजूदगी, और इन सब के बीच बॉलीवुड के भी एक दो चेहरे जरूर नजर आए थे, हालांकि वो डायरेक्टर के चेहरे थे, लेकिन जो चकाचौंध थी वो नए रूप में इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम झटके में राजनीतिक स्टेडियम में कैसे बदल गया ये सारा नज़ारा। खट्टर साहब सीएम बनने के बाद अपने साथी सीएम के बधाई देने पहुंचे हरियाणा से यहाँ पर, और सारे सीएमओ की मौजूदगी जो कि बीजेपी शासित राज्यों के हैं सभी यहाँ पर पहुँचे, चाहे वो खुद छत्तीसगढ़ से आए हों, वसुंधरा राजे आई हो, गोवा के नज़र भी आ रहे हैं आपको मुख्यमंत्री, सभी मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी, यानी बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू जो कि सहयोगी हैं वो भी नज़र आ रहे हैं और वो भी यहाँ पर पहुँचे। तो कहीं ना कहीं ये मूड ना जाए कि बीजेपी एकला चलो की स्थिति में है, और ये मैसेज लगातार साथी दलों को लेकर जा रहा है, तो चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं ये मैसेज भी दे रहे होंगे कि हम भी आप लोग के साथ खड़े हैं और सभी एक साथ खड़े हैं। अब जरा सवाल है चुनौती क्या है। जी, चुनौती उनके लिए बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। एक तरफ एनसीपी ने अनाउंस कर दिया हम सपोर्ट करेंगे, और वो लेटर भी दे सकते हैं जब अनाउंस किया है, लेकिन वो इतना साधारण चाल नहीं रहेगी, वो अंदर जाके क्या करेंगे इसका अनुमान हम सब लगा सकते हैं। दूसरा है शिवसेना, शिवसेना अभी कितना डाइजेस्ट कर पाएगी छोटे बदर के रोल में, नंबर एक। नंबर दो, जैसे जैसे वो उनका रोल कम होते जाएगा उनकी ग्रोथ भी कम हो जाएगी। उनके सामने दो पर्याय थे जो नीतीश कुमार के सामने थे, मरना तो उनको था नीतीश कुमार को, लेकिन लड़के मरना है कि अंदर रह के मरना है। ओके, चुनौती क्या है सबसे बड़ी? चुनौती ये है कि देखिए, जो आज देवेंद्र फडणवीस बने हैं ये वोट देवेंद्र फडणवीस को नहीं मिले हैं, ये वोट मिले हैं नरेंद्र मोदी के नाम के। तो क्या अब इनको क्या करना है कि अब ऐसा कद अपना बढ़ाना है महाराष्ट्र भर में कि लोग इनको एक मैस लीडर, एक जनसाधारण का एक नेता मानने लगे, लेकिन कद इतना ना बढ़ जाए कि जो केंद्र में लोग हैं उनको कहीं लगे कि ये हमारे बराबरी के आ गए हैं। तो एक चुनौती ये है। दूसरी चुनौती ये है कि जो आयु है, उम्र है, ये पूरे इनके पक्ष की है। 44 साल में इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाना, उसमें इनके साथ में बहुत एक फेवरेबल चीज़ है कि अब डेवलपमेंट, अब विकास महाराष्ट्र का केंद्र से होगा, तो इसके लिए ये भी बहुत बड़ा ज़रूरी चीज़ है। पेडणेकर साहब, सबसे बड़ी चुनौती है?